ओके गाइस, दिस इज मुक्ता। कुंभलगढ़ फोर्ट कर रहे थे हम लोग। पार्ट वन हम लोग कवर कर चुके हैं, जनरल ओवरव्यू देख चुके हैं, और आज हमें फोर्ट के अंदर चलना है। तो फोर्ट के अंदर जाकर के देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं फोर्ट के अंदर। बट उससे पहले बता दूँ कि कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में जस्ट वन और टू क्वेश्चन ओनली, कि आपको पुराना याद भी है कि नहीं। तो किसने बनवाया था और कब बनवाया था कुंभलगढ़ फोर्ट? महाराणा कुंभा ने। कब बनवाया था? 1458 के अंदर। आर्किटेक्ट कौन था उसका नाम बताओ? मंडन। मंडन आर्किटेक्ट था। और इस फोर्ट के बारे में एक स्टेटमेंट बोला गया था कि दिस फोर्ट इज सो हाई इफ समवन लुक एट इट्स टॉप, तो उसकी जो टर्बन है दैट विल फेल डाउन, पगड़ी गिर जाएगी। ये किसने बोला था स्टेटमेंट? हु सेड दिस स्टेटमेंट अबाउट कुंभलगढ़ फोर्ट? राइट, अबुल फजल ने बोला था। और कॉलोनल जेम्स टॉड ने किससे कंपेयर किया था इस फोर्ट को? ही कंपेयर्ड इट फ्रॉम इट्रस्कन। चलो कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे बाहर सराउंडिंग वो 36 किलोमीटर की वॉल है। हाँ, ध्यान रखना, मैंने बनाई नहीं है। अगेन देखो भाई, मुझे तो गेट का ऐसी ही इमेज बनानी आती है। चलो आगे देखते हैं। एंट्रेंस गेट, बहुत सारे गेट्स हैं इस जो फोर्ट है उसके अंदर एंट्रेंस गेट। जैसे कि यहाँ पे एक है हल्ला पोल, एक आ जाता है हल्ला पोल, राम पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, विजय पोल, हनुमान पोल, और विजय पोल, हनुमान पोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल। अब घबराना मत इतने सारे पोल्स के नाम देख करके, याद करवाऊंगी भाई। एंट्रेंस वो कैसे याद करेंगे इसे? देखो, कुछ पोल्स के जो नेम हैं वो सेम हैं जो कि आपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर भी पढ़े थे। कौन कौन से? जैसे कि गणेश पोल हो गया, राम पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, और आपका हनुमान पोल हो गया। ये जो गेट्स थे ये तो सेम हैं, वही चित्तौड़गढ़ के अंदर भी यही नाम थे ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी पढ़ा है हमने। तो जो नाम चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो तो हमें याद हो जाएंगे। कौन कौन से? गणेश हो गया, हनुमान हो गया, गणेश पोल हो गया, हनुमान पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, राम पोल हो गया। अब बाकी कुछ और नाम बचते हैं, उसे छोटी सी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखो, ऐसे याद रख सकते हो कि विजय चौहान नाम का एक बंदा नींबू पानी पी करके पागल हो गया है, जोर जोर से हल्ले कर रहा है। अब देखो, अगर किसी का वाकई में नाम विजय चौहान हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, हम ट्रिक से बस मस्ती मजाक में याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली याद करना है, ठीक है? तो विजय चौहान से, एक से तो हो गया विजय से हो गया विजय पोल, चौहान से हो गया चौहान पोल, नींबू पानी पी के नींबू से हो गया नींबू पोल, और पागल हो गया है से हो गया पागड़ा पोल, ठीक है? और हल्ले कर रहे हैं वो होता है ना, जोर जोर चिल्लाने को बोलते हैं हल्ला करना, तो उससे हो गया हल्ला पोल। तो ठीक है, विजय चौहान नींबू पानी पी के पागल हो गया है, हल्ले कर रहा है। चलो, एंट्रेंस गेट याद हो गए, आई होप आपको याद हो गए होंगे यहाँ से, क्योंकि एंट्रेंस गेट को लेकर के देखो एक चीज़ और ध्यान रखना। जो कॉमन नाम होते हैं ना, जैसे कि हनुमान पोल हो गया, गणेश पोल हो गया, या भैरव पोल हो गया, आपको ये कुछ पोल्स के नेम हैं जो आपको ऑलमोस्ट फोर्ट्स के अंदर मिलते हैं, तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो चीज़ें यूनिक होती हैं, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी फोर्ट के अंदर ऐसा पोल है, तो वही चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम्स के अंदर जो आते हैं इस तरीके के पोल्स के नाम ही होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना नींबू पोल और हल्ला पोल और ये सब चीज़ों को लेकर के। एंट्रेंस गेट हो गया। फिर एंट्रेंस गेट के बाद में जब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ना एक कुंड है, इसका नाम है मामा देव कुंड। अब ये जो मामा देव कुंड है, यहाँ पे उदा ने कुंभा को मारा था। उदा वही है, उदय सिंह वन, जो कि उदा भी बोलते हैं उन्हें, जो कि महाराणा कुंभा के बेटे थे, महाराणा कुंभा का बेटा था, इसने महाराणा कुंभा को यहाँ पे मारा था। सो उदा किल्ड महाराणा कुंभा, कुंभा ही लिख रही हूँ केवल, यहाँ पे उदा ने महाराणा कुंभा को मारा था। और यहीं पर ही आपको मिलेंगी इस तरीके से दो छतरियाँ बनी हुई हैं, सिनोटेफ है,
है तो खैर मतलब पिलर्स की, बट मैंने इस तरीके से ये बनाया, सिंबल से समझ जाना कि मैंने सिनोटेफ या फिर मेमोरियल या छतरी बनाई है। तो यहाँ पे किसकी दो छतरियाँ हैं, यहाँ पे आपको एक तो मिलती है कुंभा की छतरी, महाराणा कुंभा की सिनोटेफ मिलती है आपको यहाँ पे, और एक यहाँ पे सिनोटेफ मिलती है फ्लाइंग प्रिंस की। क्या नाम था फ्लाइंग प्रिंस का? उड़ना राजकुमार, नाम बताया था मैंने उसका, क्या था? अरे भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी भी जो सिनोटेफ है, उनकी भी जो छतरी है वो आपको कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ही मिलती है, पृथ्वीराज सिसोदिया। और इनकी जो सिनोटेफ है वो 12 पिलर्स की है, 12 पिलर्स की है, 12 पिलर्स की सिनोटेफ है यहाँ पे, ठीक है। मामा देव कुंड आ गया, जहाँ पे उदा ने कुंभा को मारा था, और दो छतरियाँ बनी हुई हैं महाराणा कुंभा की भी और पृथ्वीराज सिसोदिया की भी, 12 खंभों की यानी कि 12 पिलर्स की छतरी बनी हुई है। अब आगे चलते हैं, इस फोर्ट के अंदर कुछ टेम्पल्स देखेंगे, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। इस फोर्ट के अंदर एक छोटा फोर्ट और बना हुआ है, एक छोटा और किला सा बना हुआ है इसके अंदर, जिसका नाम है कटारगढ़। अब देखो ये है, दिस इज कटारगढ़। ऐसा कहा जाता है कि ये कटार के शेप में बना हुआ है, इस वजह से कटारगढ़ बोला जाता है, बाकी मैंने तो देखा नहीं है कौन सी शेप में है, बट कटारगढ़ फोर्ट बोला जाता है। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं, मेवाड़ की आंख या फिर आई ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। अब ये कटारगढ़ फोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दो चीजें हमें याद रखनी है, एक तो ये कि इसके अंदर है झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया क्या है यहाँ पे, झाली रानी का मालिया है, और एक यहाँ पे है बादल महल, बादल महल या बादल पैलेस भी लिख दो, बादल महल। बादल महल इसलिए कहा जाता है, बहुत हाई है, तो मतलब इसकी जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा है कि ये मतलब क्लाउड्स को, बादलों को टच करता है, तो इस वजह से बादल महल कहते हैं। बादल महल के अंदर भी खैर दो आगे सेगमेंट है, जनाना मर्दाना, और फिर जनाना के अंदर भी श्रृंगार कक्ष अलग है, जूनी कचहरी अलग है। हमारे जो काम का है बादल महल में वो है जूनी कचहरी। क्या है बादल महल के अंदर हमारे जो काम की चीज़ है वो क्या है? जूनी कचहरी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस जूनी कचहरी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का जन्म होता है। किसका? महाराणा प्रताप का। कब होता है? महाराणा प्रताप जो है ही बॉर्न हेयर, महाराणा प्रताप का जन्म होता है जूनी कचहरी में। अरे डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई इसकी, क्या है डेट इसकी? 1540, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कहाँ पे? जूनी कचहरी के अंदर। डन है, ध्यान रखना, जूनी कचहरी बादल महल के अंदर आती है, और बादल महल कहाँ पे आता है? कटारगढ़ के अंदर, कटारगढ़ जो कि एक स्मॉल फोर्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ टेम्पल्स की। देखो एक तो यहाँ पे है नीलकंठ महादेव टेम्पल, नीलकंठ महादेव टेम्पल। ये जो नीलकंठ महादेव टेम्पल है इसके बारे में कॉलोनल जेम्स टॉड ने बोला था कि यूनानी स्टाइल में बना हुआ है, और इसी के ही साउदर्न साइड में एक और टेम्पल पड़ता है जिसका नाम है माता जी का टेम्पल, माता जी टेम्पल या फिर माता जी टेम्पल या फिर खेड़ा देवी टेम्पल, माता जी टेम्पल या फिर खेड़ा देवी टेम्पल भी बोला जाता है। नीलकंठ टेम्पल और माता जी टेम्पल ये दोनों यहीं पर ही है। कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। एक कुंभलगढ़ फोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम ध्यान रखना, कई बार यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका जैसे मामा देव कुंड है ना, वैसे ही मामा देव टेम्पल है जिसे कुंभ स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है। तो क्या है? मामा देव टेम्पल या फिर इसी को बोला जाता है कुंभ स्वामी टेम्पल। अब ये जो कुंभ स्वामी टेम्पल है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर कुंभलगढ़ प्रशस्ति यानी कि कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो इंस्क्रिप्ट है। यहाँ पे क्या मिलती है? कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन, कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो कि 5 ब्लैक स्टोन्स के ऊपर लिखी हुई है,
फाइव ब्लैक स्टोन्स के ऊपर लिखी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, किसने लिखी थी? कान्हा व्यास ने लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में, सो बाय कान्हा व्यास इन संस्कृत। डन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभ स्वामी टेम्पल के अंदर मिलती है जो कि कहाँ पे है, कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर है। एक यहाँ पे कुछ जैन टेम्पल्स हैं, ध्यान रखना जैन टेम्पल्स के बारे में। देखो ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्ट में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, समवेयर अराउंड 360 के करीब यहाँ पे टेम्पल्स हैं, उसमें से बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, जैन टेम्पल पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जैन टेम्पल्स की बात करेंगे तो एक आ जाता है बावन जैन टेम्पल, बावन जैन टेम्पल, पित्तल शाह जैन टेम्पल, बावन जैन टेम्पल आ गया, पित्तल शाह जैन टेम्पल आ गया, गोलेरा जैन टेम्पल आ गया। इतने सारे याद कैसे होंगे, हाँ ये सोच रहे हैं गोलेरा जैन टेम्पल, कोई बात नहीं याद करा देंगे। देखो जैन टेम्पल में मैं इतना एम्फोसिस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज 2018 के अंदर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के जैन टेम्पल सतीश देवरी का क्वेश्चन आ चुका है, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले आरएस वगैरह के एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी और फोर्ट के जैन टेम्पल का पूछ लें, तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। पार्श्वनाथ जैन टेम्पल यहाँ पे है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पार्श्वनाथ के पास में 52 पीतल के गोल बर्तन है, तो पार्श्वनाथ 52 पीतल और गोलेरा, ठीक है, पार्श्वनाथ के पास में पीतल के 52 गोल बर्तन हैं या 52 पीतल के गोल बर्तन हैं, जैसे भी याद रखना हो कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, यहाँ पे काफ़ी सारे जैन टेम्पल्स मिलते हैं, मामादेव टेम्पल और ये सब कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं। एक यहाँ पे स्टेप वॉल है जिसे कि बावड़ी भी बोलते हैं, कौन सी है? बड़ शाह बावड़ी। अच्छा एक हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एक बावड़ी पढ़ी थी, नाम बताओ उसका, बावड़ी बताओ, बावड़ी या फिर स्टेप वॉल भी लिख दो, स्टेप वेल भी लिख दो, हाँ बताओ क्या था नाम। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हमने एक बावड़ी का नाम पढ़ा था ना, एक स्टेप वॉल देखी थी जो हमने याद किया था, क्या नाम था उसका, हाँ अरे भाई जालीबाव बावड़ी वही था ना, तो याद करते रहा करो, भूलो मत पीछे का कुछ भी। तो बर्षा बावड़ी हो गई हमारी स्टेप वॉल, और स्टेप वॉल हो गई ये, और पार्श्वनाथ का ये देख लिया। एक यहाँ पे गणेश जी का टेम्पल भी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना अगर याद रह जाए तो, गणेश टेम्पल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक यहाँ पे ना इस तरीके से एक ये टैंक बना हुआ है जिसका नाम है लखोला टैंक, लखोला टैंक। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राणा लाखा ने, लखोला टैंक है यहाँ पे जो किसने बनवाया था? राणा लाखा ने बनवाया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये सारी बात हो गई कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो एक बार जस्ट एक क्विक रिविजन करते हैं, एक मिनट जस्ट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने पहले गेट से स्टार्ट किया था, तो एंट्रेंस गेट हमने काफ़ी सारे देखे, कौन कौन से थे एंट्रेंस गेट, इसमें हमने ध्यान रखा था कि भाई जो गणेश हो गया, गणेश पोल हो गया, हनुमान पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, राम पोल हो गया, ये तो वही वाले हैं जो चित्तौड़गढ़ वाले भी हो जाते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा हमने एक ट्रिक से याद रखा था विजय पोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल, नींबू पोल, ये सारे याद रखे थे, तो और ये सारे और हल्ला पोल, तो ये सारे पोल्स इसके अंदर आ गए हैं, ये सब हम कर चुके हैं। मामादेव कुंड हमने देख लिया जहाँ पे उदा ने कुंभा को मारा था। उसके बाद में हमने देखते हैं कटारगढ़ फोर्ट, कटारगढ़ जो आ जाता है एक छोटा सा फोर्ट है जहाँ पे जाली रानी का मालिया और बादल महल है। बादल महल के अंदर जो काम की चीज़ है वो है जूनी कचहरी जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उसके बाद में नीलकंठ महादेव टेम्पल हमने यहाँ पे देखा था जिसे कॉलोनल जेम्सटोन ने यूनानी स्टाइल वगैरह कहा था। माता जी टेम्पल या खेड़ा देवी टेम्पल भी है यहाँ पे। उसके अलावा मामादेव टेम्पल, कुंभ स्वामी टेम्पल जहाँ पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो इंस्क्रिप्ट है फाइव ब्लैक स्टोन पिलर्स पे, किसने लिखी है? इंस्क्रिप्शंस का याद रखना किसने लिखी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, तो कान्हा व्यास ने इसे लिखा है। पार्श्वनाथ जैन टेम्पल के साथ में हमने कुछ और जैन टेम्पल्स भी देखे जैसे कि 52 जैन टेम्पल, पित्थल जैन टेम्पल और गोरेला जैन टेम्पल। उसके अलावा बड़ शाही बावड़ी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश जी का टेम्पल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लखोला टैंक जो कि राणा लाखा ने बनवाया था। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा कुंभा की छत्रियाँ हैं, सिनोटैफ बनी हुई है। सो दिस इज अबाउट
कुंभलगढ़ फोर्ट, आज हमारा कुंभलगढ़ फोर्ट पूरा हो गया है, नेक्स्ट फोर्ट हम थोड़े टाइम बाद में दूसरा फोर्ट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड कीप कमेंटिंग एंड लेट मी नो कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.